राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने पुलिस स्मृति दिवस पर लाल परेड मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शहीद पुलिस कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित की। गृह मंत्री श्री बाला बच्चन इंदौर में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम में शामिल हुए और स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी रायसेन में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने पुलिस स्मृति दिवस पर लाल परेड मैदान में शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद पुलिस कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पुलिस समाज का अभिन्न हिस्सा है, इसकी सक्रिय भागीदारी के बिना विकास की सोच को फलीभूत करना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने आज दिल्ली में गृह मंत्री श्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने गृह मंत्री से प्रदेश में अतिवृष्टि से हुए नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर वो प्रधानमंत्री को भी मेमोरेंडम सौंप चुके हैं। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से तत्काल राहत राशि जारी करने का आग्रह किया है। गृह मंत्री श्री बाला बच्चन आज इंदौर में 15वीं वाहनी परेड ग्राउंड शहीद स्मारक पर आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम में शामिल हुए। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी रायसेन में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया और बचे हुए आवेदनों पर अधिकारियों को भी समय में कार्य करने के निर्देश दिए। पुलिस शहीद दिवस पर रतलाम में पुलिस लाइन में जिले के शहीद हुए जवानों के परिजनों का सम्मान किया गया एवं सलामी दी गई। इस दौरान महापौर डॉक्टर सुनीता यादव, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। भिंड में भी पुलिस शहीद दिवस पर पुलिस लाइन में जिले के शहीद हुए जवानों के परिजनों का सम्मान किया गया और उनको सलामी दी गई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राम नारायण हिंडोलिया, कलेक्टर श्री छोटे सिंह आदि उपस्थित थे। सिंगरौली में भी राष्ट्रीय पुलिस शहीद दिवस पर एसपी ऑफिस स्थित शहीद स्मारक में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड समारोह में कलेक्टर श्री केवीएस चौधरी, एसपी श्री अभिजीत रंजन ने पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी शहादत को नमन किया। नीमच जिला पुलिस लाइन कनावटी में आज पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित समारोह में पुलिस जवानों को पुलिस परिवार द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई।